आप देख रहे हैं न्यूज ऑफ इंडिया ट्रू, सच्चाई का साथी। क्या हुआ था अंकल जी? थोड़ा सा लाइव न्यूज़ चल रही है। हाँ, क्या नाम है? नाना गए थे वहाँ पर। हाँ, पर इनके साथ रहते हैं ये चार आदमी थे। कौन किसके साथ गए थे? नाम तो मुझे पता नहीं है। वो ये लड़की बताया गया, हमें लड़के बता रहा था, हमें लड़का बता रहा था। अच्छा। लड़की बताई तो वो बताया गया, बोले कौन बुला ले। वो तो वो नहाने गए थे जमुना पे, फिर क्या हुआ? वो लेकर गया था घर से। अच्छा, पहले खाना वाना खिलवाया इन्हें, खा के गए तीनों चारों और वहाँ पर नहाने गए जमुना में। फिर वहाँ से कैसे आपको सूचना कब मिली इनके बारे में? इनके पिताजी ने फोन किया कि कहाँ पे हो शिवा, तो उस लड़के ने फोन उठाया आसिफ ने। अच्छा, तीनों भाई कहाँ पे हो? ये तो ये डूब गए, खत्म हो गए। अच्छा, तो उनके पिताजी ने पूछा कहाँ पर हो, तो उन्होंने तीन जगह की रिपोर्ट बताई। अब तो वहाँ, अब तो वहाँ, सही जगह का नाम नहीं लिया उसने। सही जगह का नाम नहीं लिया? नहीं। अच्छा, उसके बाद आपने गाली वाली बाकी, तब जाकर उसने सही स्थान बताया जब वहाँ पर 7-8 बजे करीब पहुँचे। अच्छा, जब ढूंढा तो जब भी नहीं मिले, अगले दिन गए तब जाकर एनडीआरएफ टीम आई। जब एनडीआरएफ टीम आई, यानी कि 24 घंटे के बाद इनका पता चला। पता चला जब। अच्छा, ये बहन है मेरे भाई को मारा जान पूछ के, फांसी चाहिए उसे। उसका छोटा भाई भी मिला हुआ था, उसके गांव के भी मिले हुए थे। अच्छा, क्या नाम है गुड़िया आपका? मेरा कोमल। अच्छा कोमल, क्या आपको कब सूचना मिली थी भाई के बारे में? 6 बजे में पापा ने फोन किया था मेरे भाई को। अच्छा, तब उसने लड़के ने फोन उठाया। मारे उसने ये आपके भाई के नंबर पे? हाँ, मेरे भाई के नंबर पे उसने फोन पिक किया। क्या कहा उसने फोन पिक करके? बोला ये डूब रहा है। डूब गया है? हाँ। अच्छा, फिर उसके बाद आपको जगह की स्थिति बताई कहाँ पर? नहीं बताई, कभी कहीं घुमा रहा था, कभी कहीं घुमा रहा था। हम 7 बजे पहुँचे। फिर आपने सबसे पहले किसको सूचित किया इसके बारे में? है? कब सूचना? पड़ोस में सूचना दिया। बुआ गई मेरी, सबको पता चल गया। सबको पता चल गया, यानी आपको ये लग रहा है कि उसने मारा है? हाँ, मारा उसने, मारा लगा नहीं, मारा ही है। अच्छा, मारा उसने। इस वक्त आप देख रहे हैं न्यूज ऑफ इंडिया 2, मैं पत्रकार फुरकान सलमानी जनता के बीच हूँ। आज बगैर आईडी के आपके साथ समक्ष होना पड़ रहा है। अचानक एक खबर हमारे पास आती है लोनी से, दुखद घटना कि कुछ दो लड़के जो है, लड़के जो है डूब के जो है, वो तीन लड़के कह रहे हैं कि यहाँ पर जो है घर वाले कह रहे हैं कि जो है उसको मारा गया है, तीनों बच्चों को मारा गया और सूचबंदी की गई है। अब यहाँ पर देखने वाली बात है कि जानकारी निकालने के बाद प्रशासन किस तरह का रवैया अपनाती है और कहाँ तक जो है वो सही और गलत का पता लगाने के बाद जो है एक सही डिसीजन ले पाती है। और यहाँ पर जो आप देख रहे हैं कि सभी घर वाले इंसाफ मांग रहे हैं। जिस टाइम आप वहाँ पर पहुँचे आपके साथ कौन कौन था? मतलब कौन से विभाग की टीम थी? एनडीआरएफ टीम की टीम थी और क्या था? थी लोकल स्टाफ के थे, उस लोकल बंदे जो गांव के हैं। अच्छा, वो थे। उसके बाद में हमने 100 नंबर पे कॉल किए, 4-5 बार कॉल काटी गई हमारी। अच्छा, उसके बाद में हमने कॉल किए दोबारा, उन्होंने गर्म होकर बातचीत करी है। उसके बाद में वहाँ से उन्होंने कम से कम 10-11 लड़के भेजे हैं नाव में। उसके बाद उन्हें भेजने के बाद में रात में उस जगह से, जिस जगह से ये शव मिला है सुबह, उस जगह से शव नहीं मिला था रात में, लेकिन सुबह उसी जगह से 1.5 फुट पानी में से ये विपिन का शव मिला है वहाँ से। विपिन और रात को सिवा के कपड़े नहीं मिले थे उसी जगह से जहाँ से हम देख के गाड़ी खड़ी थी, सुबह उसके कपड़े मिल जाते हैं। कितने लोग इसमें जो है डेड बॉडी आई है वहाँ से? वहाँ से 3 डेड बॉडी आई है, 4 बंदे गए थे, चौथा बंदा बच गया है। आप बता रहे कि तीनों भाई थे? जी हाँ, ये तीनों, ये दो सगे भाई हैं। अच्छा, बुआ का लड़का है। दो सगे भाइयों के क्या क्या नाम है? शिवा और विपिन। शिवा और विपिन दोनों जो है वो सगे भाई हैं। क्या उम्र होगी इनकी? एक की 19 साल, एक की 21 साल। अच्छा, और जो तीसरा भाई था वो कजिन भी कम से कम 18-20 के लगभग। क्या नाम है उसका? उसका नाम मोहित है। मोहित है। और मैं माफी के साथ ये बात कहना चाह रहा हूँ कि बगैर आईडी का आज आपके सामने आना पड़ रहा है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर तीन जो है ये बहुत दर्दनाक हादसा है, क्योंकि तीनों ही जवान मौत है। कहीं ना कहीं घर वालों का होश में आना, कहीं ना कहीं उनका प्रताड़ित होना, ये बिल्कुल जायज है। कहीं ना कहीं उनका दुख की घड़ी है, एक बड़ा दुखद घटना उनके साथ घटी है। अब यहाँ पर पूरी टीम को, पूरी प्रशासन को जो है यहाँ पर देखना पड़ेगा। मैं आपको
ये आप घर वालों को भी दिखा रहे हैं, घर वालों को परिजनों को भी दिखा रहे हैं, और वो आपको हम आपको एम्बुलेंस वैन दिखा रहे हैं जहाँ पर ये तीनों ही शव इस वक्त मौजूद है उसके अंदर। दो शख्स यहाँ पर मौजूद है और यहाँ पर हम आपको दिखा रहे हैं पर जाए ये टीम हम आपको दिखा रहे हैं कि ये अंतिम यात्रा के लिए यहाँ पर जो है एम्बुलेंस आ चुकी है और ये कुछ ही देर में जो है ये यहाँ पर जो है ये देखिए आप ये हम आपको दिखा रहे हैं कि यहाँ पर इस लड़के का क्या नाम है जिसका विपिन कुमार और दूसरे का हम आपको शिवा दिखाना चाहेंगे। ये देखिए ये हमें सहयोग कर रहे हैं थोड़ा सा दिखाने में। हटियो बेटा हटियो पीछे हट जाओ अरे अरे वो निकलो देखिए यहाँ पर गेट बंद कर दो गेट बंद। ये स्थिति इस वक्त हमने आपको दिखाई लाइव और हम कोशिश करेंगे कि आगे जो भी इसकी जानकारी निकलती है हम आपको लगातार दिखाते रहेंगे। आप बने न्यूज़ ऑफ इंडिया 2 के साथ। आप देख रहे हैं न्यूज़ ऑफ इंडिया 2 सच्चाई का साथी।